जय हिंद वंशिका आल जाप्स हिंदी चैनल में स्वागत है साथियों जो कैंडिडेट सोचते हैं कि जॉब भी कर लें जॉब के साथ साथ तैयारी भी करते रहें क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती है पैसों की यानी थोड़ा पैसा भी मिले अपना तैयारी भी होते रहें होता रहे तो एक जॉब और निकला हुआ है जो कि प्राइवेट जॉब है यानी कंपनी में वो जॉब निकली हुई है कंपनी का जो नाम है टेनको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी हाँ साथियों एक बार और कंपनी का नाम बता देते हैं उस कंपनी का नाम है टेनको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है टेनको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ पर है ये भी बता दें टेनको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है सनद जी आई डी सी सिकेंड अहमदाबाद गुजरात में है जी हाँ साथियों एक कंपनी जो है अहमदाबाद गुजरात में है टोटल पोस्ट 500 निकला हुआ है टोटल पोस्ट जो है 500 निकला हुआ है हाउ कैन अप्लाई कोई भी अप्लाई कर सकता है फ्रेशर की बात करें फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब इस जॉब के लिए जो कंपनी में जॉब निकली हुई है टेनको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो जॉब निकली हुई है फ्रेशर फ्रेशर मतलब होता है जो कोई काम नहीं किया हो कंपनी में वर्क नहीं किया हो वो भी इस कंपनी में जॉब कर सकता है जिनके पास एक्सपीरियंस है जैसे कोई भी कंपनी में कर रहे हैं एक्सपीरियंस है तो वो भी इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं दूसरा पॉइंट मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई मेल एंड फीमेल यानी पुरुष और स्त्रियां दोनों कर सकती हैं मेल और फीमेल दोनों इसमें जॉब इस कंपनी में जॉब कर सकती हैं ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अलाउड है यानी इंडिया के कहीं भी कैंडिडेट हो कोई भी कैंडिडेट हो किसी भी स्टेट से हो वह जाके अहमदाबाद गुजरात में ये जॉब इस कंपनी में जॉब कर सकता है अप्लाई मोड बता दें कंपनी कंपनी जो वैकेंसी निकाली हुई है वह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं रखेगी वह कंपनी बेस पर रखेगी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी फ्री ज्वाइनिंग होगी किसी के जहाँ में नहीं आएंगे आओगे कि हम पैसा दे दें उसमें हो जाए नहीं जो ज्वाइनिंग है फ्री ज्वाइनिंग है सिलेक्शन प्रोसेस बता दे रहे हैं यानी उस कंपनी में कैसे आप लोग मतलब ज्वाइन हो सकते हैं पहले तो बेसिक इंटरव्यू होगा बेसिक मतलब होता है कि कहाँ के रहने वाले हो कौन सा स्टेट है क्या नाम है पिताजी का क्या नाम है पिताजी क्या करते हैं तुम कहीं काम किए हो कि की नहीं किए हो इसके पहले कहाँ काम करते थे यही सब बेसिक इंटरव्यू में पूछा जाता है कोई खास इंटरव्यू नहीं है सभी लोग बता देंगे दूसरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट जो भी आप लोग किए हैं दसवीं बारहवीं आईटीआई जो भी है वो देखा जाएगा उसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज लिमिट की बात करें मिनिमम एज 18 से बत्तीस इयर्स के कैंडिडेट इस कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बात बता दें यानी ये जो कंपनी जॉब निकाली हुई है किस किस डिपार्टमेंट में जॉब निकाली हुई है असेंबली डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट उसे कहा जाता है जिस जो भी पार्ट बनता है उसको चेक किया जाता है बढ़िया से पैकिंग किया जाता है उसको असेंबली डिपार्टमेंट बोला जाता है दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको बोला जाता है जहाँ पे जो भी पार्ट बनता है उसको यानी एक घंटा या दो घंटा या आठ घंटा में आपको वर्क करके जैसे एक घंटा का बत्तीस पीस या सौ पीस ऐसे देना होता है यानी प्रोडक्शन यानि जितना फास्ट दे दोगे उसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला जाता है तीसरा क्वालिटी डिपार्टमेंट क्वालिटी में जो पार्ट बनाया जाता है उसका साइज चेक होता है यानी इतना मिनिमम से इतना रहना चाहिए क्वालिफिकेशन जो है आईटीआई आईटीआई में कोई सा भी ट्रेड हो वह इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं डिप्लोमा भी हो तो डिप्लोमा का भी आल ट्रेड के ज्वाइन कर सकते हैं ड्यूटी इन्फॉर्मेशन बता दें यानी ड्यूटी आपको कितना दिन करना है ड्यूटी छब्बीस ड्यूटी करना है चार संडे छुट्टी रहेगा यानी ऑफ रहेगा आठ घंटे की ड्यूटी है प्लस अगर अगर, अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हैं तो ओवर टाइम भी कर सकते हैं शिफ्ट बता दें मॉर्निंग नाइट यानी दो शिफ्ट है सुबह का भी है और शाम का भी है यानी डे और नाइट दोनों है वीडियो को इसका मत करिएगा साथियों आगे भी देखिएगा क्योंकि वीडियो जब तक अंत तक नहीं देखोगे तब तक नहीं पता चलेगा सैलरी पैकेज बता रहे हैं यानी किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिलती है आईटीआई आई वालों को बारहवीं वालों को दसवीं वालों को आईटीआई आई वालों को आठ घंटे का जो सैलरी है बारह हजार सी टी सी यानि पी एफ एस आई काट के बारह हज़ार डिप्लोमा वालों को तेरह हज़ार है ओवर टाइम छियानवे आर्स यानी ओवर टाइम भी आप लोग को मिलेगा फैसिलिटी बता दें यानी कंपनी क्या क्या फैसिलिटी देती है आप लोग को क्या क्या सुविधा देती है पी एफ ईस आई पी एफ एस आई भी कटता है कैंटीन सब्सिडी भी है यानी कैंटीन में खाना वाना भी मिलता है जो भी कंपनी का सब्सिडी होगा वो करता होगा बस सब्सिडी जो लोग थोड़ा दूर से आते हैं बस की भी व्यवस्था है फंड बोनस भी करता है डॉक्यूमेंट रिक्यूड यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाना है ये भी बता दे रहे हैं साथियों पहले रिज्यूम पहले तो आप लोग रिज्यूम बनवा लीजिएगा जहाँ भी फोटो का दुकान होगा वहाँ जाके बोलेंगे कि रिज्यूम बना दीजिए रिज्यूम बन जाएगा रिज्यूम मतलब होता है बायोडाटा यानी बायोडाटा में आपका पता रहेगा नाम होगा पिताजी का नाम होगा शादी हुआ कि नहीं आप काम किए होंगे तो एक्सपीरियंस होगा नहीं काम हो किए होंगे तो फ्रेशर लिखवाना पड़ेगा तो उसको बायोडाटा बोले जाता है दूसरा क्वालिफिकेशन मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाना है और साथ में जरॉक्स भी करा लेना है यानी फोटोकॉपी भी करा लेना है साथ में आधार कार्ड ओरिजिनल पेन कार्ड और उसकी फोटोकॉपी भी करा लेना है बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी रहेगा ओरिजिनल नहीं रहेगा चार पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा आपको लेके जाना है वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है फर्स्ट डोज सेकेंड डोज जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लोग को लेके जाना है कंपनी का एड्रेस बता रहे हैं टेंको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सनद जी आई डी सी सिकेंड अहमदाबाद गुजरात में सनद बस स्टैंड आकर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं कॉल नीरज सर का मोबाइल नंबर है एट डबल जीरो टू वन वन टू फोर सेवन ज़ीरो एक बार और साथियों बता दे रहे हैं एट डबल जीरो टू वन वन टू फोर सेवन जीरो कंटैक्ट नंबर भी आप लोग को दे दे रहा हूँ कांटेक्ट भी कर सकते हैं कांटेक्ट नीर कांटेक्ट जो नीरज सर हैं उनका मोबाइल नंबर है सेवन थ्री फाइव टू फोर सेवन थ्री नाइन सेवन फाइव कॉल कॉल टाइमिंग का बात करें किस समय आप कॉल सकते हैं कॉल कर सकते हैं आठ एम से आठ पी एम यानी आठ बजे सुबह से ले कर रात में आठ बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं कॉल अगर न लगे तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जय हिंद साथियों वंशिका ऑल जॉब्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए ताकि ऑल जॉब्स इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे या सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो कोई भी जॉब हो आप लोग को मिलता रहेगा धन्यवाद साथियों